गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मूललता, मोलरता और मोल प्रभास का। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था नॉर्मलता, और नॉर्मलता पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी मैंने बोर्ड पे सॉल्व करवाए थे। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि विलयन की सांद्रता को हम नॉर्मलता, मोलरता, मोललता और मोल प्रभास में व्यक्त करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक्स होगा मोलरिटी, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शंस, हिंदी में मोलरता, मोलरता और मोल प्रभास कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक्स है सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोलरिटी। मोलरिटी किसे कहते हैं? आइए, मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी को सबसे पहले डिफाइन किया जाए। मोलरिटी डिफाइन एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, परसेंट इन पर लीटर सॉल्यूशंस कॉल्ड एज मोल, कॉल्ड एज मोल। ठीक है, तो मोलरिटी को हमने डिफाइन कर लिया कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशंस कॉल्ड एज मोलरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल की संख्या को विलेय पदार्थ के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं। ठीक है, इस मोलरिटी को हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब चलिए मोलरिटी का फार्मूला क्या बनेगा। मोलरिटी यानी मोलरता बराबर क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी कि पदार्थ के मोल की संख्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो मोलरता क्या हो गया, मोलरता नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये जो मोल ऑफ सॉल्यूशन से किसे कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। अगर ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस अगर एमएल में दिया हुआ है तो इसे लीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फार्मूला मोलरता का। मोलरता के फार्मूला हो गया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस मोल को, सॉल्यूट के मोल को हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल के अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये मोल हो गया, और इस मोल को, इस मोल में सॉल्यूशन 1000 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मोलरता इक्वल पदार्थ की ग्राम डिमांड पर स्मॉल डब्ल्यू पदार्थ का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई आइटम अगर एमएल में दिया गया है, इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग। ठीक है, तो ये हमारा मोलरता का फार्मूला हो गया, और इसी फार्मूले की सहायता से अपने निकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बार और देख लें कि एक लीटर विलयन में उपस्थित विलयन पदार्थ के मोल की जो संख्या होती है, विलयन पदार्थ के मोल की जो संख्या होती है वही विलयन की मोलरता कहलाती है, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन कॉल्ड एज मोलरिटी। ठीक है, अब देखिए
एक टर्म्स आता है मोलर सॉल्यूशंस, क्या आता है मोलर सॉल्यूशंस, ये क्या है मोलर सॉल्यूशंस क्या है, तो मोलर सॉल्यूशन को कह सकते हैं इस सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन विच कंटेन इस सॉल्यूशन विच कंटेन वन मोल सॉल्यूट वन मोल सॉल्यूट इन वन लीटर सॉल्यूशन, यानी एक ऐसा विलयन हम कह सकते हैं जिस विलयन में विलेय पदार्थ का एक मोल प्रेजेंट होता है, यानी एक लीटर विलयन में अगर विलेय पदार्थ का एक मोल प्रेजेंट होता है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मोलर सॉल्यूशन कहलाता है, यानी ए सॉल्यूशन विच कंटेन वन मोल सॉल्यूट इन वन लीटर सॉल्यूशन और इन पर लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलर सॉल्यूशन। ये चीज मैंने आपको नॉर्मलिटी में बताया हुआ था। तो अपन ये कहते हैं कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन अगर एम है, अगर एम बाई टू है, एम बाई टेन है, एम बाई हंड्रेड है या एम बाई वन थाउजेंड है, ठीक है। तो मोलर सॉल्यूशन पे क्लियर हो गया कि मोलर सॉल्यूशन क्या होगा, जिस विलयन के एक लीटर में विलेय पदार्थ का एक मोल उपस्थित होता है, जिस विलयन के एक लीटर में विलेय पदार्थ का एक मोल उपस्थित होता है मोलर विलयन कहलाता है। क्या कहलाएगा, अगर एक मोल प्रेजेंट है तो कहलाएगा मोलर सॉल्यूशन, क्या कहलाएगा मोलर सॉल्यूशन। और जिस विलयन की मोलरिटी एम बाई टू है उसे कहेंगे क्या, सेमी सेमी मोलर, क्या कहते हैं सेमी मोलर कहते हैं। और जिस विलयन की मोलरिटी एम बाई टेन है उसे कहते हैं क्या, डेसी मोलर कहते हैं। और जिस विलयन की मोलरिटी एम बाई वन हंड्रेड है, एम पचास सौ है, इसे हम सेंटी मोलर कहते हैं। और जिस विलयन की मोलरिटी क्या होती है एम बटे एक हजार उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं मिली मोलर। ये चीज़ आपको याद रखना है कि मोलरता क्या है, मोलरता का फार्मूला क्या है, मोलर सॉल्यूशंस क्या है, और जिस विलयन की मोलरता एम एम बाई टू एम बाई टेन एम बाई सौ और एम बाई एक हजार है उसे क्या क्या कहते हैं। एक होने पर वन एम होने पर मोलर सॉल्यूशंस, एम बाई टू होने पर सेमी मोलर, एम बाई टेन होने पर डेसी मोलर, एम बाई सौ होने पर सेंटी मोलर और एम बाई एक हजार होने पर उस विलयन को हम मिली मोलर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अगर हमें कहते हैं कि क्या संबंध होता है नॉर्मलता और मोलरता, ठीक है। यदि हमारे पास क्वेश्चंस आ जाए, उस क्वेश्चंस में नॉर्मलता दिया हो और मोलरता पूछा, तो रिलेशन बिटवीन हम कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में क्या संबंध होते हैं, तो एक संबंध है एन बाई एम इक्वल क्या, एन बाई एम इक्वल एन, यानी यहाँ पे जो एन है ये नॉर्मलता है, एन क्या है मोलरता है और एन क्या है एन। अगर सबस्टेंस हमारा दिए गए क्वेश्चंस में, अगर हमारे पास जो पदार्थ है वो पदार्थ एसिड है या वह पदार्थ बेस है या वह पदार्थ क्या है सॉलिड है, ठीक है। एन किस पे डिपेंड करेगा, सबस्टेंस पे डिपेंड करेगा। अगर एन क्या है एसिड, एसिड बेस और क्या सॉलिड, ठीक है। अगर एसिड होगी तो उस समय एन क्या कहलाएगा, अम्ल की क्षारकता कहलाएगा। अगर बेस होगा सब्सटेंस तो उसमें जो एन होगा वो हम एन क्या कहलाएगा, क्षार की अम्लता कहलाएगा। अगर साल्ट है तो उस समय ये एन क्या कहलाएगा, उस समय साल्ट जब आयन होगा और साल्ट पर उपस्थित जो धन आयंस या ऋण आयंस की जो संख्या होती है वो क्या होगी, तो वही एन की संख्या होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से नॉर्मलता और मोलरता के बीच संबंध क्या आएगा, एन बाई एन इक्वल क्या एन, ठीक है। और अगर एक और रिलेशन देखा जाए, ये ध्यान रखना आप लोग कोरिलेशन, अगर ग्राम पर लीटर रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन
ग्राम पर लीटर एंड नॉर्मलिटी की बात करें, ग्राम पर लीटर और नॉर्मलिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो ग्राम पर लीटर इक्वल नॉर्मलिटी इनटू क्या ई क्यू डब्ल्यू डी। इस फार्मूले को भी आप याद रखिएगा, ग्राम पर लीटर इक्वल क्या नॉर्मलता गुणे क्या तुल्यांक की भार। तो एक फार्मूला और है रिलेशन बिटवीन ग्राम पर लीटर एंड मोलर का। तो ग्राम पर लीटर और मोलर का में क्या रिलेशन आएंगे, तो ग्राम पर लीटर इक्वल क्या मोलर का गुणे क्या मॉलिक्यूलर वेट। इतना बात क्लियर हो गया। तो ये मोलर का है। और एक चीज मैं और बताऊं कि अगर हमारे पास ऐसे सबस्टेंस है, ऐसे मिश्रण है जिसकी मोलरता M1 आयतन V1, दूसरा सबस्टेंस की मोलरता M2 वॉल्यूम V2, और तीसरा सबस्टेंस की जो मोलरता है वो M3 और उसका वॉल्यूम क्या है V3 है। अगर तीनों सबस्टेंस को विलयन को एक साथ मिक्स कर दिया जाए तो कहा जाए रिजल्टेंट सॉल्यूशंस की मोलरता क्या होगी। ठीक है, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशंस की मोलरता को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको अपना नोट कर लीजिए कि आप पता हो रिजल्टेंट मोलरिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये टॉपिक्स आप 11th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन इसका हो रहा है, उतार लीजिए। चलिए, सपोज दैट हमारे पास तीन सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी और सॉल्यूशन सी। ए बी सी तीन सॉल्यूशन है। मानते हैं इस विलयन की मोलरता M1 और आयतन क्या हो V1 हो, इसकी मोलरिटी M2 और वॉल्यूम क्या हो V2 हो, और इसकी मोलरिटी M2 हो और वॉल्यूम क्या हो M3 हो और वॉल्यूम क्या हो V3। ठीक है, ये क्लियर है। सॉल्यूशंस ए की मोलरिटी M1 वॉल्यूम V1, बी की M2 वॉल्यूम V2, सी की मोलरिटी M3 और वॉल्यूम V3। सपोज दैट हमारे पास जो सॉल्यूशंस ए है, सॉल्यूशंस ए में आपने सी को ऐड कर दिया और सॉल्यूशंस ए में आपने बी को भी ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद में तो इसमें क्या क्या है, ए बी सी तीनों एक साथ मिक्स कर गए, और मिक्स कर जाने के बाद में तब हमसे क्वेश्चन किया जाए तो बताओ इस मिक्स सॉल्यूशंस का रिजल्टेंट मोलरिटी क्या होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास हैं तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं M1 V1 प्लस क्या M2 V2 प्लस क्या M3 V3 इक्वल MR प्लस क्या V1 V2 और प्लस क्या V3। इस फार्मूले की सहायता से हम रिजल्टेंट मोलरिटी ज्ञात कर लेते हैं, यानी MR क्या है, जहां पे वेयर MR क्या होगा रिजल्टेंट मोलरिटी। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इस सॉल्यूशंस ए की जो मोलरिटी है यहां वैल्यू रख देंगे, इसका जो वैल्यू रख देंगे प्लस M2
की जो मोलरिटी है आयतन जो इसको यहां पर रख देंगे प्लस m3 की जो मोलरिटी है इसका जो वॉल्यूम उसके यहां पर रख देंगे बराबर mr। इसी mr को आपको फाइंड आउट करना होता है और टोटल वॉल्यूम यानी v1 v2 और v3 को आप ऐड कर लेंगे और लास्ट में फिर क्या मिल जाएगा आपको mr। mr मींस क्या रिजल्टेंट मोलरिटी यानी कि परमाणु बेलियन की मोलरता क्या होगी। समझ गए होंगे आप लोग। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा बताया था नॉर्मलिटी केस में और नॉर्मलिटी केस में भी बस वही क्वेश्चन बनता है यानी कि n1 v1 प्लस क्या n2 v2 प्लस क्या n3 v3 इक्वल क्या nr और क्या v1 प्लस v2 प्लस क्या v3। अगर हमको क्या निकालना है रिजल्टेंट नॉर्मलिटी निकालनी है यानी एन आर वेयर एन आर मींस क्या रिजल्टेंट नॉर्मलिटी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रिजल्टेंट नॉर्मलिटी भी निकाल सकते हैं और इसका यूज करके हम रिजल्टेंट मोलरिटी निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप नोट कर लीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मोलरिटी और मोलरिटी इससे संबंधित जो फार्मूले हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों ये जितने भी बोर्ड्स पे मैं उतार रहा हूँ लिख रहा हूँ आप सभी लोग इसको उतारिएगा। ठीक है, और इसका प्रयोग करके आप न्यूमेरिकल को लगाना निश्चित रूप से सॉल्व होगा। ठीक है, इसको उतारिए फिर मैं आपको आगे चलता हूँ। चलिए अब हम बात करेंगे मोलरता। ठीक है, अगर हम यूनिट की बात कर लें, चलो यही पर यूनिट की बात कर लें, इस मोलरिटी की जो यूनिट होती है यूनिट क्या होगी, यूनिट मोल पर लीटर। ध्यान देना, यूनिट क्या होगी मोलरिटी की मोल पर लीटर। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे मोललता किस होती है मोललिटी। ठीक है, तो सबसे पहले भी जाने कि मोललता मोललता को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मोललता की डिफिनेशन क्या होगी, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। तो मोललता डिफाइन एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम सॉल्वेंट कॉल्ड एज मोल एंड मोलरिटी डिनोटेड बाय स्मॉल f। ठीक है, यानी कि इसको डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम सॉल्वेंट कॉल्ड एज मोलरिटी एंड मोलरिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f। ठीक है, यानी एक बार और सुन लीजिए हिंदी में, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय पदार्थ का एक मोल उपस्थित होने पर होता है तो क्या कहलाता है, मोललता कहलाता है। ठीक है, अब देखिए मोललता का हम फार्मूला बना सकते हैं, मोललता इक्वल ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट
ऑप्शन टू डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ये ग्राम में है तो इसे किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया स्मॉल डब्लू यानी अमाउंट ऑफ सर्टेन ग्राम स्मॉल डब्लू से प्रेजेंट करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट को हम एम डब्ल्यू से और मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल डब्ल्यू से अगर ग्राम में है इसे किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है तो ये हमारा क्या बन गया ये हमारा मोलरिटी को ऑब्टेन करने के लिए फार्मूला बन जाता है। ठीक है यहाँ पे दो डब्लू है एक स्मॉल डब्लू है एक क्या एक कैपिटल जहां पे वेयर स्मॉल डब्लू क्या होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है और कैपिटल डब्लू क्या होगा कैपिटल डब्लू मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है मास ऑफ सॉल्वेंट अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया गया है तो इसे किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देते हैं। ठीक है तो इस प्रकार से क्या हो गया मोलरता हो गया। अब मोलरता के बाद हम ये बात डिस्कस करते हैं मोलर सॉल्यूशंस में किस पे मोलर विलयन मोलर विलयन किसे कहते हैं मोलर सॉल्यूशन मोलर जिस प्रकार से अभी इसके पहले वाले टॉपिक्स मैंने बताया मोलरता में यानी कि जिस विलयन के एक लीटर में विलेय पदार्थ का एक मोल उपस्थित होता है उसे मोलर सॉल्यूशन कहते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे क्या कहेंगे यहाँ पे कहेंगे एक किलोग्राम विलायक में विलेय पदार्थ का एक मोल उपस्थित जब होता है तो उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं क्या मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है क्या कहते हैं मोलर सॉल्यूशंस कहते हैं यानी एक किलोग्राम विलायक में विलेय पदार्थ का एक मोल प्रेजेंट होने पर उस विलयन को क्या कहते हैं मोलर सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है तो ये क्लियर हो गया मोलर सॉल्यूशंस क्या है कि मोलर सॉल्यूशंस क्या होगा अगर एक मोल प्रेजेंट होता कितना एक किलोग्राम सॉल्वेंट एक किलोग्राम सॉल्वेंट। ठीक है प्रेजेंट होने पर जो विलयन बनता है वो विलयन क्या कहलाता है वो सॉल्यूशंस मोलर सॉल्यूशंस कहलाता है। ठीक है तो इसकी यूनिट आप निकाल सकते हैं मोलरिटी की यूनिट होगी यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या होगा मोल यानी मोल पर क्या किलोग्राम तो मोल पर किलोग्राम किसकी यूनिट होती है मोलरिटी की यूनिट होती है। ठीक है देखो यहाँ पे प्रोनंसिएशंस समान लगते हैं मोलरिटी ये क्या है मोलरिटी की यूनिट क्या होगी मोल पर लीटर और मोलरिटी की यूनिट होती है क्या मोल पर किलोग्राम ये किलोग्राम क्या है ये किलोग्राम सॉल्वेंट का मास होता है। ठीक है तो ये भी आप उतार लीजिए ये मोलरता हो गया समझ में तो आ रहा होगा और आप इसके आधार पर विभिन्न को भी लगाएंगे। चलिए अब हम टॉपिक्स लेकर के आते हैं मोल फ्रैक्शन का। ठीक है रफ कर रहा हूँ इसको इसको सबसे पहले डिफाइन किया जाए कि विलयन के किसी एक
का मोल, विलयन के किसी एक घटक का मोल और विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोल के अनुपात को कुल घटक के मोल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, मोल प्रभाव कहते हैं, मोल प्रभाव कहते हैं। मोल फ्रैक्शंस को हम x से प्रेजेंट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शंस को हम x से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शंस हो गया, मोल अंश हो गया। कह रहा है विलयन के किसी एक घटक का मोल और विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोल के अनुपात को ही मोल फ्रैक्शंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिलेशन किसका है, रिलेशन बिटवीन वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस एंड द टोटल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस, दिस रिलेशन, दिस रेशियो इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शंस, ठीक है। द रिलेशन इन बिटवीन वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस एंड टोटल कंपोनेंट, मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, विलयन के किसी एक घटक, तो यहाँ पे बात किसकी आ गई, घटक की। मैंने आपको जब मैं सॉल्यूशंस स्टार्ट किया था वहां पे एक पॉइंट मैंने बताया था कि कंपोनेंट क्या होते हैं। कंपोनेंट आर दो सब्सटेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशंस, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशंस, दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कंपोनेंट। सो कंपोनेंट दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, यानी घटक ऐसे पदार्थ होते हैं जो विलयन का निर्माण करते हैं, वही घटक कहलाते हैं। तो सॉल्यूशन के घटक दो होते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं और यहाँ पे क्योंकि घटक की बात हुई है, मैं आपको एक बार और घटक बता दूँ, घटक, घटक मीन्स क्या, कंपोनेंट, किसके किसके कंपोनेंट की बात कर रहे हैं हम, सॉल्यूशंस के कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस के कंपोनेंट की बात करते हैं। तो सॉल्यूशंस का एक घटक क्या होता है, सॉल्यूट, सॉल्यूट, और दूसरा घटक क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूशंस के सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये घटक किस बात पे डिपेंड करते हैं, अगर सॉल्यूशंस में जिस कंपोनेंट की मात्रा कम होती है, ठीक है, सॉल्यूशंस में जिस कंपोनेंट की मात्रा कम होती है, ये लेस होते हैं, ये लेस होते हैं, और ये क्या होते हैं, मोल होते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशंस में जो कंपोनेंट कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं वो सॉल्यूट कहलाते हैं, और सॉल्यूशंस में जो कंपोनेंट अधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सॉल्वेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्लियर हो गया। देखिए अगर इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर आप नहीं क्लियर होंगे तो मोल फ्रैक्शंस के अंतर्गत आने वाले जो क्वेश्चंस हैं हम नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वहां पे कहेगा कि विलेय का मोल फ्रैक्शंस क्या होगा, इसमें विलायक का मोल फ्रैक्शंस क्या होगा। तो आपको वहां पे देखना है कि दिए गए क्वेश्चंस में किस सब्सटेंस की मात्रा कम है और किस सब्सटेंस की मात्रा अधिक है, ठीक है। जिस सब्सटेंस की मात्रा कम होगी वो सॉल्यूट होंगे, और उस क्वेश्चंस में जिस सब्सटेंस की मात्रा अधिक होगी वो क्या होगा, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत ही मस्त है ये जानना कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट की मात्रा कम और सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है, यानी ऐसे कंपोनेंट सॉल्यूशंस में जिस घटक की मात्रा कम होगी वो सॉल्यूट और जिसकी मात्रा अधिक होगी सॉल्वेंट, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब चलिए मोल फ्रैक्शंस की बात कर लें, फार्मूला सर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन मीन्स मोल प्रभाव, मोल मोल प्रभाव, मोल प्रभाव बराबर क्या, मैंने बताया एक घटक, यानी एक घटक का मोल, एक घटक का मोल बटे क्या, कुल घटक का मोल,
कुल घटक का, ठीक है, के अनुपात को ही मोल प्रभास कहते हैं। ठीक है, विलयन में किसी एक घटक का मोल और विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोल के अनुपात को ही, कि मोल के ही रेशियो को ही क्या कहते हैं, मोल प्रभास कहते हैं। अब एक घटक का मोल, वह एक घटक या तो सॉल्यूट होगा या तो सॉल्वेंट हो सकता है, और कुल घटक आप जानते हैं विलेय प्लस विलायक। तो इस प्रकार से जब दो घटक है हमारे पास विलेय और विलायक के रूप में है, तो ये कह सकते हैं कि विलेय का मोल प्रभास विलेय का मोल प्रभास निकालना आपको, तो क्या कहेंगे, विलेय का मोल क्या लिखेंगे, विलेय का मोल, विलेय का मोल यानी कि स्मॉल है। ठीक है, और फिर क्या, विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल, विलेय और विलायक का मोल, विलेय और विलायक का मोल। ठीक है, हम इसको ले सकते हैं क्या, एन अपॉन एन प्लस क्या कैपिटल एफ, जहां पे एन क्या होगा विलेय का मोल होगा और कैपिटल क्या होगा विलायक। इसमें लिखते हैं यहाँ पे क्या है, मोल ऑफ शैडो, मोल ऑफ शैडो और कैपिटल क्या है, मोल ऑफ, मोल ऑफ। ठीक है, अब इसी प्रकार से यदि क्या निकालना है, विलायक का मोल प्रभाव निकालना है, विलायक का मोल प्रभाव यानी कि x के माध्यम से निकालना है, तो क्या होगा, एन भी, ठीक है, एन सॉरी विलायक का मोल प्रभाव निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, विलायक का मोल प्लस विलेय का मोल और प्लस क्या विलायक का। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जब भी हम विलायक का मोल पहले निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, विलायक का मोल अपान विलेय का मोल प्लस क्या विलायक का मोल। लेकिन जब हम विलेय का मोल पास निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें विलेय का मोल फिर क्या कुल मोल, यानी कुल मोल का मतलब विलेय का मोल प्लस क्या विलायक। इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शंस निकाल रहे हैं, ठीक है, जब भी हम सॉल्यूट का यानी विलेय का मोल प्रभाव निकालेंगे तो सबसे पहले कौन सा घटक होगा, विलेय का मोल होगा, और फिर उसके बाद फिर क्या करना है, विलेय और विलायक का मोल करना है। ठीक है, अगर हम विलायक का मोल फ्रैक्शंस निकालते हैं तो सबसे पहले हम विलायक का मोल निकालेंगे, डिवाइड कर क्या करेंगे, विलेय मोल प्लस विलायक का मोल करेंगे, मोल प्रभास करेंगे। ठीक है, तो एक चीज और, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया तो हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया, विलेय का मोल फ्रैक्शंस निकाल लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें विलायक का मोल फ्रैक्शंस निकालना है, तो जो भी आ रहा है, जो भी इसका आंसर आ रहा है, आप उसमें से एक में से माइनस कर दें या हंड्रेड में से माइनस कर दें। ठीक है, तो क्या होगा, वो विलायक का मोल प्रभास ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम विलेय और विलायक का मोल प्रभास निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शंस क्या है, विलेय के किसी एक घटक का मोल और विलेय में उपस्थित कुल घटक के मोल के अनुपात को ही मोल प्रभास कहते हैं, मोल प्रभास कहते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद मैंने डिस्कस किया कंपोनेंट क्या, कंपोनेंट यानी कि वे पदार्थ होते हैं जो सब्सटेंस का निर्माण करते हैं। कंपोनेंट दो टाइप के होते हैं सब्सटेंस से, जो कम मात्रा में होता है सॉल्वेंट, जो अधिक मात्रा तो सॉल्वेंट। ठीक है, और मोल प्रभास के संबंधित फार्मूला का ये है, और विलेय का मोल प्रभास निकालने के लिए एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन, मैंने आपको बता दिया, इस बात एन मोल ऑफ सॉल्वेंट है यानी विलेय का मोल, यानी क्या विलेय का मोल, और ये क्या है विलायक का मोल। मैं यहाँ पे साफ लिख देता हूँ, साफ साफ एन इक्वल क्या स्मॉल एन विलेय का मोल
और कैपिटल एन क्या होगा, कैपिटल एन का विलायक का मोल, विलायक का मोल। ठीक है, अब देखिए हमने विलेय का मोल कैसे निकालना है। ठीक है ना, अगर हमें विलेय का मोल निकालना है तो हम लिखते हैं क्या, विलेय का मोल एन इक्वल क्या स्मॉल डब्ल्यू बटे क्या एन डब्ल्यू, एन इक्वल क्या स्मॉल स्मॉल एन इक्वल स्मॉल डब्ल्यू बटे क्या एन डब्ल्यू, जहां स्मॉल डब्ल्यू क्या होगा विलेय का भार, विलेय का भार, और एन डब्ल्यू क्या होगा विलेय का अणु, विलेय का अणु भार, यानी विलेय का माइक्रोवेट। और उसी प्रकार से भी आप विलायक का मोल निकालते हैं तो एन इक्वल क्या कैपिटल डब्ल्यू और बटे क्या एन डब्ल्यू। ठीक है, जहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू क्या होगा विलायक का, विलायक का भार, और एन डब्ल्यू क्या होगा विलायक का अणु, विलायक का अणु। ठीक है, तो इस प्रकार से हम विलेय का मोल और विलायक का मोल निकालते हैं। ये एन क्या है विलायक का मोल और ये स्मॉलिंग क्या है विलेय का मोल। ठीक है, तो इस प्रकार से मोलरता और मोलभास हो गया, मैंने डिप्लीशन और से संबंधित जो फार्मूले हैं वो भी मैंने बता दिया। अब आपको करना क्या है, इसी फार्मूले की सहायता से आपको इसके न्यूमेरिकल को लगाना है। ठीक है, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व करवाता हूँ अभी, और आपको ध्यान से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, और मैं टेक्स्ट बुक से इससे संबंधित मोलरता और मोलभास से संबंधित जो भी क्वेश्चंस मिले आप उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आप बताइए। चलिए न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, यानी कि जो हम आपको न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं वो किस पर आधारित है, मोलरता पे और मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहला हमें क्वेश्चंस बोल रहे हैं, आप लोग इसको उतारते भी क्वेश्चंस बहुत मैं इजी दे रहा हूँ, आसानी से लग जाएगा। आप लोग क्वेश्चंस भी लिखते रहिएगा, मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ बोर्ड पे। क्वेश्चंस है 5.85 ग्राम NaCl को 250 ग्राम जल में घोला गया, 250 ग्राम जल में घोला। ठीक है, विलयन की मोलरता ज्ञात करो, विलयन की मोलरता ज्ञात करो। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमारे पास 5.85 ग्राम ये पॉइंट है, 5.85 ग्राम NaCl को 250 ग्राम जल में घोला गया, विलय की मोलरता क्या है, विलय की 250 ग्राम नहीं है 250 ml, क्योंकि हमें क्या निकालना है मोलरता निकालना है। ठीक है, तो इतना ग्राम NaCl सपोज दैट ये क्वेश्चन को आप ऐसे समझे, हमारे पास एक पात्र है, एक पात्र है, तो इसमें क्या है 250 ml क्या है वाटर है, H2O है। ठीक है, और हमारे पास क्या है ये NaCl, मानिए हमारे पास क्या है ये NaCl, ये NaCl, अभी ये सल्फर नहीं है,
ये क्या है केवल वाटर है, ये सबस्टेंस है, ठीक है। अब इस NaCl को आपने इस वाटर में डाल दिया, कितना डालते हैं आप 5.85 ग्राम डालते हैं। जैसे ही NaCl इस वाटर में आएगा तो क्या बना लेगा, एक होमोजेनियस मिक्सचर बना लेगा। हम जानते हैं सोल्यूशन के पहले होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। जैसे ही 5.85 ग्राम NaCl इस 250 ml वाटर में आता है, विलयन बन गया। हमारा क्वेश्चन यही है, इस विलयन की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलरता क्या होगी। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चंस में दिए गए डाटा है आप उसको उतारें। तो डाटा उतारते हैं हम। डाटा क्या हमारा, पहला कि NaCl की मात्रा, ठीक है, यानी कि NaCl, NaCl की मात्रा, NaCl की मात्रा स्मॉल डबल कितना दिया गया है 5.85 ग्राम। इस पर क्या रहा है, क्या आयतन है हमारे क्वेश्चंस में, क्या आयतन। दूसरा डाटा क्या है, आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम कितना है 250 ml, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, विलयन की मोलरता ज्ञात करो, तो मोलरता निकालना है। तीसरा पॉइंट क्या, मोलरता, मोलरता यानी कैपिटल एम फाइंड करना है, ठीक है। जब कैपिटल एम फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, मोलरता का फार्मूला। तो मोलरता बराबर क्या होता है बच्चों, मोलरता बराबर पौधे पदार्थ की ग्राम मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार बटे आयतन। अगर एमएल में है तो इसे लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड। हमें इस तरह से फार्मूला को उतार लिया। जब फार्मूला उतार लिया फिर मैंने बताया हम मैच कराते हैं कि इस फार्मूले में जो भी पॉइंट्स हैं W n W v, ये सब किस यहाँ पे डाटा में है कि नहीं है। तो देखते हैं, W है पहले हमारे पास, W है हमारे पास, आयतन भी है, क्या नहीं है, अणुभार। तो हमें अणुभार किस तरह निकालना है, जो पदार्थ है यानी पदार्थ क्या है, NaCl, कौन सा पदार्थ है NaCl। तो इस NaCl का हमें क्या निकालना है, अणुभार निकालना है। तो पहले निकालना NaCl का अणुभार, NaCl का अणुभार। NaCl का अणुभार कैसे निकालते हैं, इस मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं सोडियम और क्लोरीन, तो एक एक एटम का एटॉमिक वेट निकाल आपस में जोड़ लेते हैं। तो सोडियम Na प्लस क्या Cl, N कितना होता है 23 होता है, Na कितना होता है 35.5, ये क्या हो जाएगा 58.5, ठीक है। तो NaCl का अणुभार कितना आ गया, NaCl का अणुभार आ गया 58.5। अब सभी के वैल्यू को अपने आप रख देंगे, यानी मोलर का इक्वल हो जाएगा, मोलर का इक्वल स्मार्ट मोलर कितना है 5.85, अणुभार कितना आ गया 58.5 बटे आयतन कितना है, आयतन 250 ml है, 250 बटे क्या 1000, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 5.85 गुणे 1000 को ऊपर चला आएगा, 1000 बटे क्या 58.5 गुणे क्या 250, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐसे कर लेते हैं, ये चार टाइम कट जाएंगे, ठीक है। यह एक पॉइंट है, ये क्वांटिटी का पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब ये पॉइंट वन टाइम कट जाएगा, पॉइंट वन टाइम है, और ये कितना जाएगा सर, 0.1 × 4 इतने 0.4 क्या इसकी मोलरता आ जाएगी, किसमें मोल पर लीटर में आ जाएगी। तो इसका आंसर कितना गया मोलरता, इसका आंसर कितना आ गया 0.04 मोल पर लीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको उतारिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, डाटा उतारना है, संबंधित फार्मूला उतारने हैं, डाटा से मैच कराते हैं, क्या क्या हमारे पास है, क्या क्या नहीं है, जो नहीं है पहले उसको सर्च कर लेते हैं, उसके बाद सभी डाटा के वैल्यू को आप इस फार्मूले में रख करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारा है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कैलकुलेट
सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर required to prepare 250 ml of N/10 solution. N/10 ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ Na2CO3, हमें Na2CO3 की मात्रा को कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml M/10 सॉल्यूशंस, यानी कि सोडियम कार्बोनेट की मात्रा को ज्ञात करो, ठीक है, जो 250 ml की मोलर था M/10, यानी कि 250 ml बिलियन में हम कितना Na2CO3 डालें कि उस सॉल्यूशंस की मोलरता कितनी हो जाए M/10। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा निकालेंगे, डाटा में क्या है, अमाउंट ऑफ निकालना है, यानी कि स्मॉल W फाइंड करना है, ठीक है, और फिर वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम दिया है 250 ml दिया हुआ है, मोलर डी कितनी दी हुई है M/10, और M/10 में क्या कहते हैं डेसी मोलर, ये क्या है डेसी मोलर सॉल्यूशन है, और इसे क्या कर सकते हैं 0.1 ml कर सकते हैं, ठीक है, और हमें ये कैलकुलेट करना है, तो स्मॉल ग्रुप को मार कैलकुलेट करने के लिए हम वही काम करते हैं, एम इक्वल क्या स्मॉल डब्ल्यू अपॉन Na2 अपॉन वॉल्यूम, अगर एंगल में है लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो चलिए हमारे पास माल का वेट नहीं है, सबसे पहले हम Na2CO3 का माल का वेट निकाल लेते हैं, Na2CO3 का माल का वेट, यहाँ पर दो सोडियम है, 2Na+ कार्बन+3 ऑक्सीजन, तो 2×23+ 12×3×16 कितना हो जाएगा 46+12+48 तो हो जाएगा 8 और 10 6 16 4 5 9 10, यानी Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 106, ठीक है, अब हमारे पास समय के वैल्यू आ गए हैं, और समय के वैल्यू को आप यहाँ पर रख देंगे, तो हमें निकालना क्या है डब्ल्यू का मान निकालना है, उसके बाद इक्वल टू ले एम इक्वल क्या W×1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू क्या, यहाँ से जब डब्ल्यू निकालेंगे तो डब्ल्यू इक्वल क्या हो जाएगा मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम अपॉन क्या 1000, ठीक है, तो डब्ल्यू इक्वल क्या होगा डब्ल्यू इक्वल मोलरिटी कितना 0.1, मोलरिटी कितना 0.1 है, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया इंटू 106, वॉल्यूम कितना है 250 और डिवाइड बाई क्या डिवाइड बाई 1000, ठीक है, इसी को आपको सॉल्व करना है, ये जो आपको क्वेश्चन करेंगे जो भी आपको आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा वही आपका आंसर होगा, चलो सॉल्व कर लेते हैं, ये 4 टाइम कट जाएंगे, ठीक है, और ये 4×9=8 और 4×2=16, ये कितना आ जाएगा 2.4 ग्राम क्या Na2CO, ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे ये 4 टाइम में कैंसिल, ये 4×9=8 4×5=20 ठीक है, ये आ जाएंगे 2.45 ग्राम Na2CO3, ठीक है, इसको उतार लीजिए,
हो गया, यानी कि टोटल ग्रामीण मात्रा कितना गया, टोटल ग्रामीण मात्रा गया 2.65 ग्राम, यानी 2.65 ग्राम Na2CO3 अगर हमारे पास होता है इतना ग्राम सोडियम कार्बोनेट, यदि हम 250 ml सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी हो जाएगी, उस सॉल्यूशन की मोलरिटी m/l। ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चंस आप नोट करें, 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया। अगला क्वेश्चन है 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया। ठीक है, विलेय की मोलरता क्या है, विलेय की मोलरता भैया विलयन, विलयन की क्या निकालना है, मोलरता, विलेय की मोलरता भैया। ठीक है, 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक है, विलेय की क्या निकालना है, मोलरता निकालना है। ठीक है, मोलरता निकाल लेते हैं, तो मोलरता सबसे पहले क्या, ये 9 ग्राम है और ये क्या है, 100 ग्राम जल में, यानी किसको, यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं हमारे पास क्या है, ये 100 ग्राम जल है और हम क्या ऐड कर रहे हैं, 9 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है, यानी ग्लूकोज क्या हो जाएगा, विलेय और ये क्या होगा, विलायक। ठीक है, तो 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में जब डिजॉल्व किया गया तो हम ये कह सकते हैं ग्लूकोज का भार, ग्लूकोज का ग्राम में भार कितना है, 9 ग्राम, 9 ग्राम है और विलायक, विलायक रूप में क्या है, जल है, जल का भार कितना है, 100 ग्राम जल है। ठीक है, और निकालना क्या है, निकालना है मोलरता, क्या निकालना है, मोलरता। जब मोलरता निकालना है तो मोलरता का हम फार्मूला लिखेंगे, मोलरता है ध्यान देना, तो मोलरता इक्वल क्या, मोलरता बराबर होता है क्या, ग्राम में भार बटे अणु भार बटे क्या, कैपिटल डब्ल्यू अगर ग्राम में है इसे किसी डिवाइड करेंगे 1000, या पे स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, कैपिटल डब्ल्यू विलेय का भार होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दें, मोलरता निकालना है, मोलरता स्मॉल है तो यहाँ पे देखिए स्मॉल डब्ल्यू दिया हुआ है, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू भी दिया हुआ है, ये मॉलिक्यूलर वेट यानी ग्लूकोज का अणुभार नहीं दिया, तो सबसे पहले ग्लूकोज का अणुभार निकाल लेते हैं, यानी ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, इसी का अणुभार निकाल रहा है तो C6H12O6 का अणुभार कितने का होगा, 6 × 12 + 12 × 1 + 6 × 4। ठीक है, तो 12 × 6 = 72 + 12 = 6। ठीक है, ये कितना जाएगा, 6 × 8 = 8 × 10 9 × 10 = 72 = 18, यानी 180 ग्राम क्या आ गया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब हमारे पास सारे डाटा हैं, अब स्मॉल डब्ल्यू भी हमारे पास है, कैपिटल डब्ल्यू भी है और बार भी है, तो इन सभी मान को आप इस फार्मूले में डालेंगे तो क्या होगा, मोलरता इक्वल क्या, मोलरता ग्राम में मात्रा कितना है,
9 ग्राम बटेस मोल बार कितना हो गया 180 कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितना है गोलाई की मात्रा 100 ग्राम बटे इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हुए 1000 से भाग दे देते हैं तो हो जाएगा क्या 9 गुणे 1000 बटे 180 गुणे क्या 100 यहाँ पे 3 जीरो है 3 जीरो कैंसिल ये 2 टाइप कट गया यानी 1/2 और 1/2 में क्या 0.5 क्या है 0.5 मोल यानी कि मोल पर किलोग्राम में आ जाएंगे आंसर कितना आ गया आंसर 0.5 मोल आ गया ठीक है तो इस प्रकार से हम मोल अंतर को भी ऐसे कैलकुलेट करते हैं ठीक है इसको आप उतारिए आगे चलते हैं चलिए अगला क्वेश्चन चलो कंप्लीट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशंस कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशंस obtained by dissolving obtained by dissolving 15.87 gram C2H5OH in 168 ग्राम ऑफ ठीक है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशंस क्या कैलकुलेट करना है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करना है ऑप्टेन बाय डिजॉल्विंग 15.87 ग्राम एथिल अल्कोहल इन 168 ग्राम ऑफ वाटर यानी 168 ग्राम वाटर में 15.87 ग्राम एथिल अल्कोहल को मिलाने पर डिजॉल्व कराने पर जो विलयन बना उस विलयन की मोलरिटी क्या होगी ठीक है इसी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है तो देखें कैसे सॉल्व करते हैं आप तो सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या करना है कि डाटा को निकालना है तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशंस कंप्लीट करना है तो मोलरिटी लिख लिया आपने मोलरिटी ज्ञात करना है और एथिल अल्कोहल की मात्रा यानी कि C2H5OH इस मॉलिक्यूल की वैल्यू क्या होगी 15.87 ग्राम और फिर वाटर यानी H2O यानी ये कैपिटल डब्ल्यू होगा क्योंकि एज ए सॉल्वेंट कितने काम कर रहा है 168 ग्राम ठीक है तो आपको निकालना क्या है मोलरिटी निकालना है उसके लिए फार्मूला आपको पता है मोलरिटी इक्वल क्या इज मॉल डब्ल्यू अपॉन क्या मॉल का वेट अपॉन कैपिटल डब्ल्यू तो ग्राम में है किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास इस मॉल डब्ल्यू की वैल्यू है कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू है हमें क्या निकालना है एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H5OH हम फाइंड आउट करें तो दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा 12 × 24 24 5 हाइड्रोजन 16 क्या 17 ठीक है तो ये कितना हो जाएंगे 4 5 9 9 7 16 1 2 3 क्या 4 एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया मॉलिक्यूलर वेट आ गया 46 अब हमारे पास सारा डाटा है इस मॉल डब्ल्यू है कैपिटल डब्ल्यू है और मॉलिक्यूलर वेट किसका आ गया ये एथिल अल्कोहल का सब सारे वैल्यू को यहां पर रख देंगे तो मोलरिटी इक्वल हो जाएगा इस मॉल डब्ल्यू कितना है इस मॉल डब्ल्यू है 15.87
डिवाइड बाय मोल का वेट कितना आ गया 46 और सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है 168 डिवाइड बाय 1000 ठीक है तो यहां पे मोलरिटी हो जाएगी मोलरिटी इक्वल 15.87 into 1000 अपॉन 46 into 168 ठीक है इसको आप सॉल्व कर लेंगे जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा वो सॉल्यूशन की क्या होगी मोलरिटी होगी ठीक है आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको कैलकुलेशन करने के बाद में जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा सॉल्यूशन की मोलरिटी होगी ठीक है ठीक है आप समझते चले और उतारते चले चलो चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताता हूं अगला क्वेश्चन है C2H5OH एथिल अल्कोहल तथा 36 ग्राम जल तथा 36 ग्राम जल के विलयन में एथिल अल्कोहल और जल C2H5OH और H2O के मोल प्रभास की गणना करो के मोल प्रभाव की गणना करो यहाँ पे हमें क्या कर रहा है मोल प्रभास की गणना करो ठीक है ना अब देखिए एक सॉल्यूशन हमारे पास है और उस सॉल्यूशन में 46 ग्राम क्या है एथिल अल्कोहल है और 36 ग्राम क्या है जल है तो एथिल अल्कोहल और जल का क्या है ये विलयन है ठीक है अब मैंने आपको बताया विलयन जो बने होते हैं कंपोनेंट की सहायता से बने होते हैं जिसमें दो घटक होते हैं एक विलय और एक विलायक जिसमें जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय और जिस घटक की मात्रा ज्यादा होती है वो क्या कहलाते हैं वो विलायक कहलाते हैं अब यहाँ से स्पष्ट है एथिल अल्कोहल 46 ग्राम है और जल क्या है 36 ग्राम है तो निश्चित रूप से इसकी अमाउंट कम है तो जल एक्ट एज जल कैसा काम करेगा जल काम करेगा विलय के जैसे और एथिल अल्कोहल कार्य करेंगे विलायक के जैसे तो हम यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर सकते हैं विलायक के रूप में क्या होगा C2H5OH और विलय के रूप में क्या है इतना पॉइंट्स हम अपने माइंड में बैठा लेते हैं हमें मोल प्रभास निकालना है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या कर लें इसका मोल और इसका मोल दोनों का मोल हम अलग अलग निकाल लेते हैं ठीक है तो क्योंकि मोल प्रभास का फार्मूला ये होता है विलायक का मोल मैं फार्मूला देता हूँ यहाँ पे विलायक का मोल प्रभास बराबर क्या होगा कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस क्या कैपिटल एन और फिर विलय का मोल प्रभास बराबर क्या होगा स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस क्या कैपिटल ये तो आपको पता होगा कैप्टन क्या होता है विलायक का मोल इस्तेमाल एन क्या है विलय का मोल तो यहाँ पे विलायक एथिल अल्कोहल है और विलय क्या है तो वाटर है तो यहाँ पे निकाल लें विलय का मोल पहले क्या निकालें विलय का मोल ठीक है विलय कौन है H2O है तो इस H2O का मोल निकालने के लिए वाटर का मोल निकालने के लिए वाटर की ग्रामीण मात्रा बटे वाटर का अनुभाग ठीक है तो वाटर की ग्रामीण मात्रा कितनी है 36 ग्राम है तो 36 लिख दिया आपने डिवाइड बाय वाटर का अनुभाग कितना होता है 18
ठीक ये हो गया। इसी प्रकार से हम विलायक का निकाल लें, विलायक का मोल, और विलायक का यहाँ पे एथिल मोल है C2H5OH। तो एथिल अल्कोहल का मोल कैसे निकालें, एथिल अल्कोहल ग्राम में मात्रा बट उसका क्या अनुभाग, तो एथिल अल्कोहल ग्राम कितना है 46 है, 46, और इसका अनुभाग भी पिछले क्वेश्चन मैंने बताया कितना आया था, 46 आया था। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, ये 2 टाइम में